everyone, this is Nushad and you are watching Engage Tutorial. So my dear student, हम कर रहे हैं exercise 3.2. इस वीडियो में हम करेंगे exercise 3.2 question number 7. That is the last question. So बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप. It's very interesting और बहुत ही sharing wearing करने वाला question है. आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हो. Okay? Question कहता है, draw the graphs of the equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the axis, x-axis, and shade the triangular region. Triangular region को हमें set करने हैं. Question कहते हैं, these two equations given हैं. In these two equations से, ये दो equation को use करके हमें means दो equations हैं, दो lines बनेंगे. जब ये दो equations के two lines बनेंगे, तो ये lines ऐसे होंगे कि एक triangle form करेंगे. इस तरह से करेंगे एक ट्रायंगुलर शेप की फॉर्मेशन होगी. उस ट्रायंगुलर शेप मींस जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगी हमें उसे शेडिंग करनी है और उनके वर्टिसेस के भी नेम रिटन करने हैं. अंडरस्टूड? आया समझ में? तो सबसे पहले हम इनके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही तो हमें लाइंस ड्रॉ करने होंगे. वी विल प्लॉट द ग्राफ. जस्ट लुक हियर, x minus y plus 1 equals to 0. दिस इज इक्वेशन 1. ये हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है. हाँ, हम क्या करते हैं, y को वो साइड टेक आउट, जस्ट वी विल टेक y दैट साइड. सो व्हाट विल बी x प्लस y इक्वल्स टू x प्लस 1. y क्या हो जाएगा? x प्लस 1. ओके, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. इफ x इक्वल्स टू 4, अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं, देन y क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5. नेक्स्ट, if x equals to minus 4, अगर हम minus 4 ले लेते हैं, suppose that minus 4 ही ले लेते हैं, whatever, then y equals to minus 4 plus 1 equals to minus 3. 2 ले लिए, 1.1 लेकर देते हैं, just 2 point is enough, 2 point काफी है. ठीक है, अब हम इस equation को करेंगे. sorry, पहले हम rectangular boxes draw करेंगे. रेक्टेंगुलर बॉक्स से ड्रा करके हम x और y के पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे. x, y. इफ x इज 4, y क्या है? 5. x इज माइनस 4, देन y माइनस 3 है. ओके, नाउ दिस इज ओवर. फर्स्ट वन इज ओवर. अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन को, दिस वन. 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. जस्ट लुक हियर, सबसे पहले हम इस फॉर्म में रिटर्न करेंगे. दिस 2y को हम ये साइड रहने देंगे. जस्ट लुक हियर, 2y इक्वल्स टू 12 विल गो दैट साइड. 12 माइनस 3x, 12 विल चेंज टू प्लस 12 माइनस 3x, ये साइड चला जाएगा. देयरफॉर y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? अब हम x के वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे, जो यहाँ पे मींस 12 से माइनस मल्टीप्ली 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से माइनस करना होगा. माइनस करने के बाद 2 से डिविजिबल होनी चाहिए. ओके, जस्ट लुक हियर, इफ x इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं, देन y इक्वल्स टू 12 माइनस 3, 2 जाओ 6 डिवाइडेड बाय 2. 12 माइनस 6 6, 6 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जाओ 6, वी गेट 3. सिमिलरली उसी तरह से हम और लेते हैं अदर पॉइंट. इफ x इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं माइनस 2, हाँ माइनस 2 लेते हैं, सपोज दैट, देन y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2. 12 माइनस माइनस प्लस 2, 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 18, 18 बाय 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 9 आ गया, वी हैव गॉट 9. ओके, नाउ हम पॉइंट्स को रिटर्न करेंगे, x एंड y. x की वैल्यू क्या है? 2, देन y इज 3. इफ x इज माइनस 2, देन y इज व्हाट? 9. y क्या है? 9. नाउ इन दोनों लीनियर इक्वेशन के हमारे पास क्या है? पॉइंट्स है. अब हम इसे प्लॉट करेंगे, उससे पहले हम इन बॉक्सेस को यहां पे रिटर्न करते हैं.
x, y, 4, 5, minus 4, minus 3. This is. Okay? Second is x, x, y, 2, 3, minus 2, 9. Now, we will draw. अब हम draw करेंगे graph, means plotting करेंगे. We are going to plot the graph. उसके लिए हमें axis लेने होंगे, x axis and y axis. So, my dear student, you know, we have plotted the graph. हम graph को plot कर चुके हैं यहाँ पे. ये हमारा, you know, first equations के line है. This one, 4, 5. हाँ, this one. ये हमारा first equation की line है. And this is the line of second equation. हमने देखा यहाँ पे that दोनों लाइन, ये these two lines, okay, are intersecting each other and they are forming a triangle. दोनों intersect करने के बाद क्या बना रहे हैं? Triangle. आप देख सकते हो यहाँ पे. हम इसे name दे सकते हैं, इसे name दे देते हैं P Q R. आप देख सकते हो. इसे कुछ और name दे देते हैं, B C, C दे दो, whatever. ये हमारा हो गया P Q R, okay. This is triangle और हमें इसे करने हैं shape. अब शेड कर दो, दिस इज द शेडेड पोर्शन. ये हमारा ट्राइंगल है जिसे हमें ट्राइंगल रीजन को क्या करने हैं, शेडिंग कर दिए. अब हेयर टेलिंग, वी हैव टू आल्सो टू राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस. अब हमें इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी रिटन करने हैं. अंडरस्टूड ना? एक्स और वाई के वैल्यू भी रिटन करने हैं. जस्ट लुक हियर, फर्स्ट इज पी. पी के वर्टिसेस क्या क्या है? पी वर्टिसेस है ना, थ्री वर्टिसेस, पी क्यू आर. अब हम कोऑर्डिनेट्स रिटन करेंगे. Coordinates of P is minus 1, 0. Q is x2, y3. And R is minus 1, 0. R is 4 and 0. 4 and 0. Okay? Coordinates, we will write on here. Coordinates of vertices. Coordinates of vertices. हमें vertices के coordinates written करने हैं. So these are the coordinates of vertices. Coordinates of vertices are P, Q and R. You can see it very carefully. बहुत ध्यान से देखें. आप इसे बहुत ही beautifully means you know with the help of pencil आप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे shading कर सकते हो. It's so easy. You can do it. So go on practicing it. I'll meet you in my next video with exercise 3.3. Bye bye.